कम्मागणी। फ्रेंड्स तुम्हारा फ्रेंड्स लेके आ रहा है एक और ब्लॉग, और ये ब्लॉग रहेगा जैसलमेर टू दिल्ली। तो जो टीम आरके15 क्रिएशन जो टीम है वो सारी की सारी अभी दिल्ली जा रही है शूट के लिए, तो मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। तो टीम मेरा पूरा वेट कर रही है अंदर, और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ यहाँ आने से, और अभी मैं अंदर जाऊँगा, टीम से मिलूँगा, तो सारी की सारी टीम का इंट्रोडक्शन करवाऊँगा आपसे, ठीक है। फिलहाल मैं रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ और अंदर जाऊँगा और टीम से इंट्रोडक्शन करवाऊँगा सारों को, ठीक है। आ चुके हैं सारे के सारे, और अभी ये अपना इंटर्नशिप लेके अपने ये हमारे विशाल भाई। विशाल भाई कुछ बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे? बोलने में इनको बोलने में दिक्कत आती है इनको, ठीक है। और ये हमारे श्रीराम भाई जो कि जैसलमेर के बोलते रहते हैं। ये हमारे मनीष भाई, उनकी भी वीडियो देखता हूँ मैं, बहुत अच्छे बनाते हैं ये वीडियो। और अक्षय भाई से बाहर बैठा शर्म आती है, काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं। रोकी भाई, रोकी भाई रिंग लाइट नहीं है ना अच्छे के, अभी रिंग लाइट नहीं है इसके लिए। तो फिलहाल हम गाइस जा रहे हैं दिल्ली शूट करने के लिए, और जो दिल्ली में शूट रहेगा उसके सारे के सारे ब्लॉग आएंगे आपको, तो बने रहिए इस वीडियो में। और जो जैसलमेर से दिल्ली तक की जो भी जर्नी रहेगी हमारी, हम ब्लॉग के थ्रू आपको बताएंगे सारा का सारा। लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो और जय माता जी। जय माता दी। न्यू फॉलोअर्स बढ़ाऊंगा। फाइनली गाइज ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन चल चुकी है, और मेरे साथ में कमल। भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया, आप सुनाओ? बढ़िया एकदम। और कमल भाई कैसा लग रहा है आपको? बस मजा में। बस जितने भी मेंबर है टीम के मेंबर है सारों के सारों का मतलब इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपको। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। आप जोर से बोलो, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको सफ़र करके? अरे एक नंबर लग रहा है, पहाड़ में बहुत अच्छा लग रहा है। राम भाई आ चुके हैं हमारे साथ में, तो कमल राणा है उनके साथ बैठने का मजा ही कुछ और है। कमल राणा भाई गलत नहीं भाई, ये राजस्थान का टिस्टा है भाई, सबसे बड़ा। मेरी मार फॉलो करता है तो हम तो बहुत आगे है अभी। अभी तो स्टोरी लगी रही थी, मैं तो हूँ फ्लाइट में भाई साहब। अरे भाई ये मेरा महीना मजा आ गया, और राजस्थान ट्रेनिंग में यही चल रहा है मेरा भाई। सपोर्ट बना के रखो, लव यू ऑल। तो गाइस अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है जैसलमेर से, अभी हम ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, तो कल शाम को 5 बजे तक हम पहुँचेंगे दिल्ली। तब तक बने रहे हमारे इस ब्लॉग में, हमारी जर्नी कैसी निकलती है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सारा का सारा वीडियो में दिखाएंगे आप। और राम भाई थोड़े नर्वस लग रहे हैं मेरे को, वो क्या ना मतलब सारे फ्रेंड चले गए तो अच्छा था। हम बैठे हैं बैठे हो तो बात राम भाई जो ज़्यादा क्लोज होता है वो चला जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ, और फिर घर से भी थोड़ा दूर है तो आई नो थोड़ा होता है। सबके साथ होंगे तो मिल जुल के रहेंगे तो हो जाएगा सब कुछ, ठीक। हाँ ऐसा होता है, जो क्लोज फ्रेंड होता है, जैसे कि हम जितने भी लोग हैं, अब राम भाई न्यू मेंबर हमारी टीम में आए हैं तो उनको थोड़ा अभी ऑकवर्ड फील हो रहा होगा क्योंकि वो उतने हमारे साथ में नहीं रहे हुए हैं, तो पहली जर्नी है। धीरे धीरे फ्रैंक हो जाएंगे हम लोग, अभी फिलहाल नए नए लोग हैं तो ऑकवर्ड फील होना ही है। जब मैंने भी टीम ज्वाइन की थी तब मैं भी ऐसे ही थोड़ा ऑकवर्ड फील करता था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे मैं भी सबके साथ में फ्रैंक हो गया, तो अभी मुझे भी टीम में काम करने में बहुत सारा मतलब मज़ा आ रहा है। और आई होप कि राम भैया को भी हमारे साथ में काम करके मज़ा आएगा। हाँ चलते हैं आगे। फाइनली गाइस अभी हम पहुँचे हैं पोखरण। और राम भाई टाइम क्या हुआ है? 12 बज गया है गाइस, 12 बज चुके हैं और अभी हम पोखरण पहुँचे हैं। तो कल 5 बजे तक हमें सफ़र करना है इसी ट्रेन में। और देखते हैं, अभी बाहर आया खाने वाने के लिए कुछ लेने और पानी की बोतल लेने के लिए। देखते हैं कोई शॉप अगर खुली होती है तो वहाँ से हम पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए ले चलते हैं। फिर चलते हैं आगे, आगे का सफ़र धीरे धीरे बताएंगे आपको। बनते रहिए वीडियो के साथ। हमारे जो कपाल का जो डब्बा है उससे काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन कोई शॉप नहीं दिख रही है यहाँ पे। और आगे जा रहे हैं, कोई दिखते हैं कोई शॉप अगर मिलती है तो। उधर की कैंटीन पड़ी है बंद, अब रेलवे स्टेशन से बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाएंगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। अगर ट्रेन निकल गई तो फिर अब अपन तो यहीं पर रह जाएंगे। फिर पीछे वाले डब्बे में चढ़ जाना, दिल्ली तक छोड़ देगी। आगे आगे सफर देखेंगे। हाँ गाइस हम काफ़ी घूम चुके हैं यहाँ पे, लेकिन कोई शॉप खुली नहीं है। तो फिलहाल हमें वापस जयपुर में जाना पड़ेगा क्योंकि कोई शॉप खुली नहीं है। हमें कुछ खाने के लिए लेना था और पानी भी पीना था, लेकिन शॉप खुली ना होने के कारण हमें वापस जाना पड़ेगा। क्यों राम भाई? सुपारी पड़ी, पानी बोतल लाए नहीं क्योंकि भूल गए थे। और क्या करेंगे, इधर आस पास कोई शॉप भी नहीं है। ये तो भाई काम चला, कोई शॉप तो खुली है नहीं, तो अभी हमको वापस चलना पड़ेगा उधर सीट पे। आगे जा के वहाँ देखेंगे। मेरे साथ जोधपुर में रुकेंगे, इससे तो गाइस आगे जाएगी ट्रेन बीकानेर। और देखते हैं बीकानेर कब तक पहुँचती है, तब तक। हाँ तो अभी चलते हैं वापस सीट पे क्योंकि कोई शॉप खुली नहीं है यहाँ पे। कमल भाई सेल्फी ले रहे हैं, क्या करे भाई। हेलो, प्यास लग रही है और एक बोतल नहीं आज पर प्यास। गाइस रात के 12 बज चुके हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो फिलहाल हमें सीट पे जाना है और वहाँ जाके फिर रेस्ट करेंगे। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लाइट का इशू है तो फेस नहीं दिखेगा, तो प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को। गाइस सुबह की 6 बज चुकी है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ट्रेन में कभी नींद नहीं आती है, लेकिन पता नहीं कल रात मुझे कैसे नींद आ गई और मैं सो गया। और ये कमल भाई पूरी रात से जाग रहे हैं, क्या नींद ना आए से जाग ही रहे थे, लेकिन मैं सो गया था यार। तो मैंने यार बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, जोधपुर मिस कर दिया क्योंकि मुझे जोधपुर में रुकना था यार। मैंने उठाया था भाई को, क्यों जा भाई आलसी है। नहीं यार भाई मेरी आँख ही नहीं खुली, देखो ना मैं आया था भाई को, आँख की लाल पड़ी है। मैंने मैं भाई को उठाने के लिए आया था कि भाई उठ जा, जोधपुर आया था भाई, अब ना होते क्या मेरी क्या। हाँ तो नहीं पाया जोधपुर में, और जोधपुर नहीं दिखा पाया आपको। बहुत सर्दी भाई, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पर, सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। जयपुर पहुँचेंगे, तो जयपुर में पक्का रुकेंगे और जयपुर का रेलवे स्टेशन दिखाएंगे आपको, और कुछ जो कि जयपुर में फेमस है वो बताएंगे आपको। और फिलहाल राम भाई सोए नहीं है रात में, और अभी उनको नींद आई है, तो मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि उठा नहीं कहूँगा नहीं उनको। और जयपुर पहुँचते हैं फिर तब तक राम भाई भी उठ जाएंगे, फिर साथ में शूट करेंगे ब्लॉग। मिलते हैं सीधा जयपुर में। एक्शन। तो गाइस ये बिट्टू, ये मेरा काफ़ी टाइम से फ्रेंड है और सोशल लाइफ में भी मिले थे। मैं जिस ट्रेन से आ रहा था मुझे भी नहीं पता था कि उस ट्रेन में यही है। मैं बताता था इनको, उनको नहीं पता था कि ट्रेन में मैं भी हूँ और ये भी है। एक दोस्त आए थे, मैंने उनको देखा तो फिर उन्होंने बोला कि प्लीज भैया भी, और काफ़ी टाइम बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप हमारे ब्लॉगर भैया है और वीडियो भी शूट करते हैं, तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही बताते रहो और धूम मचाते रहो। संतु से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम दोनों, और मेरे को मतलब पता भी नहीं था ये है अंदर नहीं है। फिर तो एक्चुअली मैं अभी मैंने आपसे बोला कि मेरा फ्रेंड है जो बाहर बैठा है, जब इससे फ्रेंड मिला तो सारी की सारी टीम बैठी हुई है, सारे के सारे ब्लॉग शूट कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, और मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर जरूर, और आगे बेस्ट बेस्ट ब्लॉग मिलते रहेंगे आपको। और हमारे बिट्टू भैया भी ब्लॉगर है, इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। भाई इतना धन्यवाद है आपको, बहुत धन्यवाद है, और रियली रियली बोले ना तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मिलके, और काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, और आई होप कि आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। सो गाइज अभी फुलेरा जंक्शन आए और बीच में ट्रेन स्टॉप हुई थी तो हमने देखा नहीं, और अभी प्यास लगी तो प्लीज भैया पानी की बोतल ले रहे हैं, और एक ये फर्जी मॉडल है हमारे, हंस रहा है देख लो। जयपुर पहुंचने वाले हैं और हमारे बिट्टू भैया जयपुर में उतरने वाले हैं, हमारे साथ नहीं चलने वाले। जयपुर में कैसा काम है आप कर रहे हैं? जयपुर में कैसा काम है? जयपुर में थोड़ा सा काम है, मिल जाएंगे वापस, और ये भैया ने बोला है तो मेरे भैया से भी मिलने जाएंगे दिल्ली, और फिर वहीं मिलते हैं। बने रहिए ब्लॉग में इनके साथ। वाले जयपुर पहुँच के वहाँ का स्टेशन का व्यू दिखाते हैं आपको, ठीक है, और कुछ बताते हैं जयपुर के बारे में। हमारे बिट्टू भैया का स्टेशन आ चुका है जयपुर, और अभी वो जाने वाले हैं, तो मैं और राम भाई और सारे बिट्टू भाई को बाय बाय करने आए हैं। अच्छा दिल्ली के बारे में बताओ। दिल्ली कल या कल इवनिंग को शायद आई थिंक मेरे आईडी से आ जाने चाहिए, बट देखते हैं, फिर परसों तो कन्फर्म हो जानता कोई है नहीं। पहले फालतू में कोई अभी चतरी लगा देगा क्या, बोलता 500 रुपये का है पूरा, 500 रुपये का, तो सेफ्टी पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी 2 दिन बिट्टू भैया रहेंगे जयपुर में, और उसके बाद है इन्होंने प्लान बनाया है कि दिल्ली आने का, तो देखते हैं आते हैं नहीं आते हैं, वो तो बाद की बात में सोचेंगे। और अभी फिलहाल बिट्टू भैया को वादा करना है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर आगे दिल्ली में। आगे गाइस कल हम पहुँचे हैं रोहिला, और कम से कम 30 मिनट लगेंगे आगे पहुँचने के लिए। सब लोगों ने अपने अपने बैग देख लिए, संभाल लिए हैं, सब चेक कर रहे हैं कि किसी का कोई सामान चूक ना जाए, इसलिए सारे के सारे सब बैग अपने अपने चेक कर रहे हैं। राम भाई आपने कर लिया अपना बैग? एकदम सारी सारी चीज़ें देख लिया आपने? सारी सारी चीज़ें देख लिया आपने? अवेलेबल है, जैकेट था और बैग था, ले लिया दोनों। जगन भाई हाँ भाई सामान पैक कर लिया आपने? हाँ कर लिया, रख भी लिया। हो गया आपने? हाँ हो गया पैक, हो गया। हमारे कमल भाई बस लड़कियों को ताक रहे हैं, बस लड़कियों को देख लोकेशन देख रहे हो, लोकेशन देख रहे हैं वो, हमको पता है क्या देख रहे हैं। लड़कियों के पीछे भागता हूँ, लड़के मेरे पीछे भागते। एक आध गाड़ी दिख रहा है, सही है कमल भाई का, सही कहना है कि लड़कियाँ इनके पीछे भागती है, लड़कियों के पीछे नहीं भागती है। हाँ लड़के हमारे पीछे भागती है। तो मान लीजिए हमने अपने बैग वगैरह सब देख लिए, चेक कर लिए, अभी हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं। फिलहाल रोहिला पहुँच चुके हैं और ओल्ड दिल्ली जंक्शन हम उतरेंगे, वहाँ पर उतर के आपको मिलते हैं। हम न्यू दिल्ली पहुँच चुके हैं और अभी बस थोड़ा ही आगे जाना है हमको, ओल्ड दिल्ली जंक्शन पुरानी दिल्ली, वहाँ पे जाके उतरेंगे हम, क्योंकि वहाँ से जो हमारा फ्लैट है वो पास में ही है, वो यहाँ उतरेंगे तो दूर पड़ जाएगा, इसलिए वहाँ उतर रहे हैं ताकि जल्दी पहुँच जाए वहाँ पे। क्यों राम भाई? 2 दिन से नहाए नहीं है। 2 दिन से नहाए नहीं है, हालत देख रहे हैं। बैठ बैठ के पिछवाड़ा भी अब बोलने लगा है कि कहीं ना कहीं चलो, कहीं ना कहीं चलो, वो धुल दो उसको ना। सुबह से खाना खाया, बस चाय से काम चला। और ये हमारा कमल राणा है, और इसका तो लकड़िया आसपास लकड़िया देख रहा है, ये देख लो ले लिए इसने कंबल भी। और राणा बढ़िया राम हरियाणा और वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो भाई बस 15 मिनट और है, जब इतना रुक चुके हैं 15 मिनट और सुपरमैन बन जाएंगे, सीधा जाके फ्लैट में सोएंगे, पिएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे, मजा करेंगे। अभी उतरेंगे ओल्ड दिल्ली जंक्शन और फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है, कि मेट्रो से जाएंगे या फिर कोई गाड़ी से जाएंगे या कैब से जाएंगे, वो सारा कुछ बताएंगे आपको वीडियो में। ओके तो वीडियो में बने रहना आप। ठीक है, हम ओल्ड दिल्ली जंक्शन और अभी हम यहाँ से जाएंगे मेट्रो स्टेशन, पूरा में मेट्रो स्टेशन जाएंगे ना। हाँ यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाएंगे और वहाँ जाके हम मेट्रो से फ्लैट जाएंगे सीधा। तो फिलहाल यहाँ रास्ता देखते हैं कि स्टेशन का जो बाहर निकलने वाला रास्ता है वो कहाँ है, फिलहाल वो देखे जा रहे हैं हम, क्योंकि सब लोग यहाँ पे न्यू है, फर्स्ट टाइम आए तो दिक्कत तो होगी रास्ता देखने में, कोई ना हम पूछ के जाएंगे। फिलहाल स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। सूरज भाई कैसे लग रहा है आपको मेरा बैग पकड़ के? बैठना मत प्लीज, कितना मत निकलना। फाइनली स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं, एग्जिट कर लिया हमने स्टेशन से। अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, और मेट्रो स्टेशन पास में है, मुझे लगता है हमें कैब की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से मेट्रो स्टेशन पास में ही है, रेलवे स्टेशन के पास में है मेट्रो स्टेशन, और हम मेट्रो में बैठ के सीधे फ्लैट जाएंगे। सुनील भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मुझे तो पूछो ही मत, बहुत अच्छा लग रहा है। कमल तू पहले मेट्रो में बैठा हुआ है क्या? पहले मेट्रो में बैठा हुआ है क्या? क्या हुआ? मेट्रो में बैठा हुआ है, डरेगा तो नहीं ना? नहीं नहीं पक्का, मेट्रो से सीधा फ्लैट तक जाएंगे। सूरज भाई कहाँ हो भाई? चलो मिलते हैं गाइस मेट्रो में सीधा डायरेक्ट। जो भी हमारे जितने भी बैग हैं वो सारे के सारे मशीन में जाएंगे चेक होने के लिए। तो गाइस हम जा रहे हैं फ्लाइट साइड, तो हम 2 बंदे आगे हैं और बाकी टीम पीछे है। मेट्रो स्टेशन से नगर मेट्रो स्टेशन आए हैं और वहाँ से हमने लिया है ऑटो, और ये ऑटो भी अलग टाइप का बहुत साउंड कर रहा है। और अभी हम जाएंगे सीधा मुखर्जी नगर, और जहाँ का ये मतलब ऑटो स्टॉप का लास्ट स्टॉप है वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ से फिर हो सकता है ऑटो मिले तो ठीक है, वरना वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से दूर नहीं है ज़्यादा, 1 किलोमीटर है, तो वहाँ तक ऑटो वाले ने हमें उतार दिया है और यहाँ से हमारा फ्लैट ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि ऑटो लेने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पास में है फ्लैट। फिर हम जब पास में है तो ऑटो लेने का क्या मतलब। हाँ वही तो, पैदल ही चले जाएँगे। हाँ अंधेरा है, हम लाइटिंग नहीं है, लाइट है बीच में। अभी गाइस सीधा मिलेंगे आपको हम फ्लैट पे जाके, वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, नहा वहा लेते हैं क्योंकि राम भाई ने 2 दिन से नहाया नहीं है। हाँ भाई नहीं नहाया, अंधेरा हो गया यार। तो जाएंगे नहा धोकर और फिर मिलते हैं आपको। सो फाइनली गाइस फ्लैट पर पहुंच चुके हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मेरी बोलने की भी हालत नहीं हो रही है। तो गाइस मुझे ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत ही जल्द मिलूँगा एक अलग ब्लॉग के साथ में, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर पैकअप करना पड़ेगा।